हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसके एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4K फ़ोटो आप कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कुछ इस तरह की फ़ोटो वाली स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। तो गाइज, अगर आप भी कुछ इसी तरह के इसी फ़ोटो को बनाना चाहते हो तो गाइज इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 4K फ़ोटो कैसे बनाना है। तो गाइज, आज मैं आपको इसी तरह की 4K फ़ोटो को एडिट करना सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। बस एक क्लिक में आप कुछ इस तरह की 4K वाले गाइज फोटो बना सकते हो और इसको अपने स्टेटस वीडियो में गाइज लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो फेस पे गाइज कुछ इस तरह से वाइट थोड़ी सी दिख रही है, पिंक दिख रही है, और लिप गाइज यहाँ पर पूरी पिंक रहती है जो काफ़ी शानदार गाइज फोटो की लुक देती है। पहले गाइज देख सकते हो ये फोटो कुछ इस तरह से था, जब मैंने इसको एडिट कर दिया तो कुछ इस तरह से ये हो चुका है। देन गाइज ये फोटो भी पहले कुछ इसी तरह से था, देख सकते हो गाइज एडिट करने के बाद में कुछ इस तरह से हो गया है। तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हो इस तरह के फोटो कैसे एडिट करना है 4K वाली, तो गाइज वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी क्या करना है, आपको एक प्रीसेट्स को डाउनलोड कर लेना है। गाइज प्रीसेट्स यानी कि गाइज कुछ इस तरह की ये प्रीसेट्स है गाइज, इसको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो गाइज डाउनलोड कर लेना है। देन गाइज आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। लाइटरूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लाइटरूम एप्लीकेशन का, या गाइज आप प्ले स्टोर पर जाके लाइटरूम लिख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। गाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा प्रीसेट का लिंक, आपको क्या करना है गूगल में चले जाना और लिख लेना है www.technoshankar.com, और मेरे वेबसाइट पर चले जाना और प्रीसेट को गाइज डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, प्रीसेट को डाउनलोड करने के बाद में गाइज आपको क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में गाइज आप जैसे ओपन कर लोगे तो आपको साइन इन वगैरह करना है, तो आप अपनी जीमेल आईडी से गाइज इसमें लॉग इन हो जाइएगा। उसके बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। मैंने गाइज यहाँ पर फ़ोन को रोटेट कर लिया, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीधा दिख रहा होगा। अगर आप नहीं भी करना है तो नहीं कर सकते गाइज, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर गाइज यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइज इस पर क्लिक कर दोगे, अभी गाइज आपको प्रीसेट को भी इसमें ऐड कर लेना है। जैसे कि गाइज यहाँ से मैं इस प्रीसेट को ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हो गाइज ये वाला जो प्रीसेट है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। और देन गाइज यहाँ से क्या करता हूँ, फोटोज़ को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज आप जिस फोटो को बनाना चाहते हो, जिस फोटो से स्टेटस बनाना चाहते हो, या जिस फोटो को गाइज आप एडिट करना चाहते हो, उस फोटो को गाइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो यहाँ से गाइज मैं फोटो उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस फोटो को गाइज मुझे एडिट करना है। तो गाइज यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करके मैं ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अभी गाइज यहाँ पे देख सकते हो ऑल फोटोज की जो ऑप्शन है, यहाँ पे गाइज सभी फोटो यहाँ पे आ जाएगा। अभी देख सकते हो गाइज यहाँ पर हमने कुछ फोटोज को सिलेक्ट किया था, वो फोटो आ चुका है। देन गाइज हमारा प्रीसेट गाइज ये है। गाइज आपको पहले दिखा देता हूँ ये प्रीसेट है, इसी प्रीसेट में मैंने सारा सेटिंग किया हुआ है। तो गाइज आपको इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना, और इसी प्रीसेट में गाइज आपको सभी कलरफुल गाइज फोटो वगैरह बन जाएगा। अभी देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से हमारा यहाँ से गाइज फोटो सब है, देख सकते हो गाइज जैसे एडिट किया हुआ है, देख सकते हो गाइज। अभी इसमें गाइज इस फोटो सबको हम एडिट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है गाइज, सबसे पहले हम प्रीसेट के ऑप्शन पे गाइज यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, प्रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना गाइज। उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक कर दोगे तो नीचे आना, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी सेटिंग, तो इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद में टूल्स, उसके बाद में गाइज यहाँ पे ज्योमेट्री जो भी है इसको क्लिक कर देना है, और ऊपर आपको टिक की जो ऑप्शन है गाइज इसको क्लिक कर देना है, यानी कि इसकी जितनी भी सेटिंग्स है कॉपी हो जाएगा, बैक हो जाना है या स्लाइड कर सकते हो। तो गाइज यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। अभी गाइज क्या करता हूँ, यहाँ से गाइज एक फ़ोटो जो है अब हम इसको यूज़ करेंगे, इस पर प्रीसेट को हम गाइज ऐड करेंगे और कुछ इसी तरह की फ़ोटो को एडिट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर 3 डॉट की जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद में गाइज पेस्ट सेटिंग की जो ऑप्शन है गाइज इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो गाइज आपकी फ़ोटो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अभी गाइज ये फ़ोटो आपकी थोड़ी सी क्रॉप हो गई है, इसको फिक्स करने के लिए आपको देख सकते
यहाँ पे गाइज क्रॉप की जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है, और यहाँ से गाइज आप अपनी साइज को सिलेक्ट कर सकते, जैसे कि कस्टम के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अभी गाइज कस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको देखिए कुछ इस तरह से साइज को यहाँ पे फिक्स करके ऊपर डन कर सकते हो। अभी गाइज देख सकते हो इसको और भी थोड़ा फिक्स करना चाहते हो फोटो को तो कर सकते हो। जैसे कि गाइज हम यहाँ पे आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से गाइज देख सकते हो हम कुछ इस तरह से गाइज इसको ऐसे करके बढ़ा लेना है, ठीक है। इसको आप कम भी कर सकते हो, इसके सैचुरेशन को देखिए कुछ इस तरह से गाइज कम ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटनेस के ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ से गाइज इसकी जो फेस की जो वाइट है गाइज देख सकते हो वाइटनेस जो है गाइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो अगर आपको कम लगे तो। उसके बाद में गाइज हमारा फोटो देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से पहले था, अभी गाइज कुछ इस तरह से हो चुका है जो काफ़ी शानदार है गाइज। आप गाइज कोई भी फोटो से गाइज बना सकते हो, अगर आपकी फोटो की क्वालिटी अच्छी है तो गाइज और भी अच्छी आपकी फोटो दिखने वाली है। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप इस पे भी हम क्या करते हैं थ्री डॉट पे आ जाएंगे गाइज, यहाँ पे सॉरी थ्री डॉट पे आ जाते हैं गाइज, और यहाँ से थ्री डॉट पे आने के बाद में पेस्ट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए गाइज ये भी कुछ इस तरह से हो गया, अगर ये भी क्रॉप हो जाता है तो क्रॉप के ऑप्शन में आ जाना है, इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को गाइज आपको अच्छे से फिक्स करके ऊपर डन कर देना है। अभी गाइज यहाँ पर देख सकते हो इस ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर भी आ सकते हो, वाइटनेस इसकी थोड़े से बढ़ा देना है। उसके बाद में गाइज कलर के ऑप्शन पर चले आना है, और यहाँ से गाइज सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। देख सकते हो जितना सेचुरेशन बढ़ाओगे इतना इनकी जो लिप वगैरह है गाइज वो थोड़ा सा कलर फुल पिंक हो जाएगा, देख सकते हो गाइज। तो आपकी फोटो गाइज कुछ इसी तरह से गाइज बन चुकी है। अभी गाइज आपको करना क्या है, इस फोटो को गाइज अपने गैलरी में एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है। तो यानी शेयर के बटन पर गाइज आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करके गाइज आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। पहले देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से था, अभी इस तरह से हो चुका है। देन गाइज ये भी पहले कुछ इस तरह से था, अभी गाइज कुछ इस तरह से हो चुका है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और गाइज इस प्रीसेट को आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल में चले जाना है, और गूगल में आपको लिख लेना है technoshankar.com, और इस प्रीसेट को गाइज बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर वीडियो गाइज आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा, लाइटरूम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।